अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सयाह महमूद और आज मैं शाहकोट की बैक साइड में मौजूद हूं। और शाहकोट इलाका कौन सा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन शाहकोट की बैक साइड पे एक जगह काफ़ी मशहूर है और उस जगह का नाम हमें भी नहीं पता, लेकिन हम आपको वो जगह दिखाएंगे और बाद में यहाँ के मुकामी लोगों से उस जगह के बारे में मालूम करके फिर उस जगह का नाम आपको बताएँगे। यहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता कौन सा जा रहा है ये आपको हम अभी वीडियो में बताएँगे। ख़तरनाक रास्ता भी है और जंगल से होता हुआ ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ से हम रास्ता भूल गए हैं, हमें अब रास्ते की समझ नहीं आ रही कि किस साइड पे जाना है। अब हम तुक्के पे जा रहे हैं और हमने यहाँ ऊपर जाना है ये एंड पे, और हम कहाँ से सफ़र करके आए हैं ये आप नीचे ये सारा पहाड़ देख सकते हैं कि कहाँ से होते हुए हम कहाँ पे जा रहे हैं। ये जगह जो है ये शाहकोट की बैक साइड पे है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शाहकोट किस जगह पे है, फैसलाबाद वाला शाहकोट नहीं बल्कि ये आज़ाद कश्मीर नीलम वैली वाला शाहकोट है। खटन रास्ते से होते हुए हमने वो ऊपर की तरफ जाना है जो भी आपको फुटेज में नज़र आ रही है जगह, ऊपर एक पहाड़ बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये इतनी ऊंचाई है और नीचे से आपने रास्ता देखा ही है कि कितना मुश्किल रास्ता है, ये जंगल से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये साथ साथ आपको जो यहाँ से खूबसूरत हसीन मनाजर हैं वो भी आपको दिखाते जा रहे हैं ताकि आप भी इन मनाजर से लुत्फ़ानंदोज़ हों। सदीक साहब ये कहाँ पे जा रहे हैं आप ज़रा बताएं। अरे यहाँ पे ऊपर एक पहाड़ी है तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो देखें कितना मुश्किल रास्ता, हमें शौक है तो देखनी है जगह, इसलिए हम अपनी लगता है आप रास्ता भूल गए यहाँ से। हाँ हाँ, इसके आगे अब क्या है? ये हम मेन जगह पे आ गए हैं, अब हम यहाँ से आगे उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे। एक गांव इस साइड पे है, एक गांव इस साइड पे है और हम सेंटर में खड़े हैं। हमारी एक टांग उस गांव में और एक टांग इस गांव में। यहाँ पे थोड़ा हम एंजॉय करेंगे। आपको मेन सड़क नज़र आ रही है नीलम रोड, और यहाँ से जंगलों से होते हुए हम यहाँ पर आए हैं। बीच में से हम रास्ता भी भूल गए थे और इस जगह की हमने तस्वीरें देखी थी, काफ़ी खूबसूरत और हसीन मनाजर थे यहाँ के, और हमारे दिल के अंदर ये तजस्सुस था कि हम भी ये जगह देखें। लेकिन आज अभी हम इस जगह पर पहुँचे, अब आगे की तरफ देखते हैं कि आगे क्या है। ये दोनों पहाड़ों के सेंटर में है, इस साइड पे नीचे एक गांव है और इस साइड पे भी एक नीचे गांव है, दोनों तरफ गांव और सेंटर में एक गैरली सी है और उस जगह पे हम यहां पर आए हैं। अब यहां से आगे की तरफ जाएंगे, आपको दिखाएंगे और हम भी देखेंगे कि यहां पे कैसे मनाते हैं आगे। आए पहुंच गए उस पॉइंट पर जहाँ पर हमने इतनी मशक्क़त की, इतने मुश्किल रास्ते से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे। ये है वो पहाड़
जिसकी तस्वीरें हम देखकर हमारे दिल के अंदर जस्स पैदा होता था। नीचे के वो मनाजर हैं और ये बैक साइड पे आपको दरियाए नीलम, वो पुल कौन सा है? शाहकोट सरखला पुल। और ये सामने सरखला गांव है, ये नीचे शाहकोट गांव है, और ये वो छोटी सी एक पहाड़ी है जहाँ से वो ये सब मनाजर नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे एक छोटा सा गांव है नीचे, और इस गांव का नाम आई थिंक सो के प्लंग है। प्लंग की बैक साइड पे ऊपर ही आता है, और ये ऊपर एक पहाड़ है इस साइड पे ऊपर की तरफ, और इस साइड पे भी सामने बॉर्डर है। शुरू से आपको वीडियो इसलिए नहीं बना के दिखा सके जहाँ से हम जब घर से निकले थे, क्योंकि उस वक्त एक तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, और दूसरा ये कि जब फायरिंग की आवाज़ आती है तो उस वक्त एजेंसी जो है वो एक्टिव हो जाती है, और इसलिए हम कैमरा बाहर नहीं निकाल सके। लेकिन जैसे जैसे हम आगे गुजरते गए और फायरिंग की आवाज़ बंद होती गई, और फिर हमने रास्ता आपको दिखाया कि किस रास्ते से होकर हम यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर थोड़ी देर हम बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, तस्वीरें वगैरह बनाएंगे, और फिर वापसी का जो रास्ता हमने चूज़ किया वो दूसरी साइड से, यहाँ से होते हुए हम किसी और रास्ते से नीचे की तरफ जाएंगे।